हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, टुडे इज एपिसोड नंबर 16 ऑफ आवर हाइट इंक्रीज प्रोग्राम। तो जो इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, ये हाइट इंक्रीज प्रोग्राम चल रहा है जर्नी टू 6 फीट हाइट। जिनका ड्रीम है कि 6 फीट तक पहुंचना है, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 6 होम रेमेडीज बताने वाला हूं जो आपको हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। बट एक चीज कहना चाहता हूं, एज बहुत मैटर करता है। अगर आपका एज बहुत ज्यादा हो चुका है और ग्रोथ पीरियड्स क्लोज्ड है, फिर आप चाहे कुछ भी रेमेडी ट्राई कर लीजिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चल जाइए, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। बिकॉज ग्रोथ पीरियड्स क्लोज होने के बाद हाइट और नहीं बढ़ता, बिकॉज हड्डी बढ़ने का जगह नहीं रहता। और अगर ग्रोथ पीरियड्स ओपन रहता है तो हड्डी बढ़ने का जगह रहता है। फिर अगर ये लॉक हो जाएगा फिर हाइट कहां से बढ़ेगा। गर्ल्स कैन इंक्रीज हाइट टिल 21। अगर आप गर्ल हो तो आप 21 साल तक अपना हाइट बढ़ा सकते हैं। बट इफ यू आर अ बॉय देन यू कैन इंक्रीज योर हाइट टिल 25। एंड ऐसा बहुत सारा केसेस पाया गया है जहां पे बॉयज 27-28 तक भी हाइट बढ़ा सकता है, बट दिस इज रेयर। तो आज मैं आपको 6 होम रेमेडीज बताने वाला हूं। उससे पहले जान लो कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड जितना भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, आप ट्राई करना कि हर रेमेडी को डेली लेना है, डेली, ईच एंड एवरी डे। उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एंड आपका ग्रोथ प्लेट्स जल्दी क्लोज नहीं होगा। वरना क्या होगा, टाइम से पहले क्लोज हो जाएगा, फिर आप पछताएंगे। तो अगर आप अपना ग्रोथ प्लेट्स को बचाना चाहते हैं क्लोज होने से जल्दी, हर एक रेमेडीज को डेली ट्राई करना है। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हाइट का भी हजारों वीडियोज आने वाला है एंड मैं आपको अपना ड्रीम हाइट तक पहुंचा के रहूंगा, ठीक है। एंड पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा थ्रू डाइट एक्सरसाइज, ये दोनों हमारा हथियार रहेगा। एंड अगर आपके पास थोड़ा बजट है फिर सप्लीमेंटेशन, तो इन तीनों के हेल्प से हम लोग अपना हाइट बढ़ाएंगे। एंड हर कोई अपना हाइट 6 फीट तक बढ़ा सकता है, बट ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहना चाहिए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो, बिकॉज जब भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। सो पहला रेमेडी क्या है, ओट्स मिल्क शेक एडेड विथ फ्रूट्स, हनी एंड ड्राई फ्रूट्स। कॉपी में नोट डाउन करो, ओट्स मिल्क शेक आपको बनाना है एंड उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, हनी ऐड करना है और कुछ सीजनल फ्रूट्स ऐड करना है। ये आपको हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। इसे ट्राई करने के डेली लेना है, डेली, ईच एंड एवरी डे अपने रूटीन में लेना है। और आपका जो घर का डाइट चलता है, जो सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो एज यूजुअल रहना चाहिए, उसके साथ इस रेमेडी को ऐड करना, वरना आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा रेमेडी है, आपको सलाद बनाना है और सलाद में क्या क्या रहना चाहिए जान लो। एंड ये आपका बॉडी में जादू जैसा काम करेगा। दैट इज बीट रूट रहना चाहिए, साथ में कैरेट रहना चाहिए, क्यूकुम्बर रहना चाहिए, टोमेटो रहना चाहिए और अनियन। इन पांचों को मिला के आपको सलाद बनाना है एंड डेली एक कटोरी खाना है। तीसरा होम रेमेडी क्या है, दलिया विथ एडेड ड्राई फ्रूट्स। आपको दलिया कंज्यूम करना है एंड उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। ये एक रामबाण है हाइट बढ़ाने के लिए। एंड इससे क्या होगा, आपको हाइट बढ़ाने के लिए जो जो चीज चाहिए मिलेगा और आपका हाइट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। और आपके क्लास में जो दोस्त है ना, सब चमक जाएंगे, यार इसका हाइट इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है, ये इतना नाटा सा था, उसका हाइट अचानक बूम बढ़ गया। फिर फोर्थ में आता है, 1 ग्लास मिल्क विथ एडेड हनी, ठीक है। 1 ग्लास दूध आपको पीना है, 1 ग्लास दूध में कितना हो, 250 ml होता है, और उसके साथ हनी ऐड करना है और उसके साथ साथ आपको 10 आलमंड खाना है। 1 ग्लास दूध, उसमें हनी ऐड करना है, फिर इसको मिक्स करना है और साथ में आपको 10 आलमंड खाना है। उसके बाद आपको 5 सीजनल फ्रूट्स का मिक्सचर बनाना है। जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो आपको संतरा मिल जाएगा, फिर आपको एप्पल मिल जाएगा, आपको और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट मिल जाएगा। तो आपको 5 फ्रूट्स का सिलेक्शन करना है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अपने मन के हिसाब से खरीदना और उसको मिक्स करके खाना। ये जादू जैसे काम करता है, बिकॉज हर एक फ्रूट्स का अलग अलग गुण है। एंड जब पांचों आपका बॉडी में जाएगा
तो भाई ये रामबाण जैसे काम करेगा। उसके बाद लास्ट में आता है, आपको दो अंडा खाना है और अंडा के साथ क्या लेना, सुनो, नींबू निचोड़ना अंडा के ऊपर और उसके साथ साथ आपको एक मुट्ठी चना खाना है, भींगा हुआ चना। और अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो आप लोग अंडा की जगह सोया चंक्स कंज्यूम करना, कितना 35 ग्राम्स, और साथ में आपको एक मुट्ठी चना कंज्यूम करना है। तो मैंने आप सभी को 6 रेमेडीज बताया एंड इसे ट्राई करना कि डेली लेना, जितना भी मैंने बताया 6 रेमेडीज, 6 को 6 ही आपको लेना एंड उससे क्या होगा, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आप 1-2 रेमेडी लेंगे फिर आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% पाने के लिए 6 का 6 लेना है, ठीक है। कुछ पाने के लिए भाई थोड़ा खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ, अंटिल प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।